अतिथि शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर दतिया से की रथ यात्रा शुरू। आज अतिथि शिक्षक संगठन समिति सतना के द्वारा अतिथि शिक्षकों की मांगों को लेकर एवं राम राजा मंदिर से रथ यात्रा के बारे में जानकारी देते हुए प्रेस वार्ता में उपस्थित प्रदेश अध्यक्ष शंभू चरण दुबे ने अतिथि शिक्षक संगठन के सभी साथियों की लंबित मांगों एवं उनकी पीड़ा से अवगत कराते हुए बताया कि जो परीक्षा के परिणाम आपके सामने जो दिख रहे हैं, निश्चित तौर पर छात्र छात्राओं ने कठिन परिश्रम किया है, किंतु ये अतिथि शिक्षक की भूमिका और मेहनत का परिणाम है, जो प्रदेश का परिणाम 71% आया है। जिन बच्चों का भविष्य संवारने के लिए अतिथि शिक्षक अपना जीवन दे रहे हैं, उनके खुद के बच्चे भूखे सो रहे हैं, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। पूर्व की सरकार ने वचन पत्र में तो लिया, किंतु वो खुद की सरकार नहीं बचा पाए। जब जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है, तब तब कोई न कोई नेतृत्व करता है। इसी कड़ी में हमने आज से रथ यात्रा का शुभारंभ दतिया जिले से कर दिया है। जब तक अतिथि शिक्षकों का नियमीकरण नहीं होता, संघर्ष जारी रहेगा और होने वाले 26 उपचुनाव के परिणामों को प्रभावित करने का कार्य करेंगे। साथ ही चेतावनी भी दी कि जो अतिथि शिक्षकों का नियमीकरण करेगा, वही प्रदेश में राज करेगा, ये वादा रहा। सरकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार, भारतीय जनता पार्टी 15 साल शासन किया और हमारे अतिथि शिक्षकों को धोखा देते रहे। उन्होंने मुझे हम अतिथि शिक्षकों को 25% का आरक्षण, 9 साल की छूट और तनख्वाहें बढ़ाई। कांग्रेस ने हमें वचन पत्र में शामिल किया था, क्योंकि हम लोगों ने बड़े बड़े आंदोलन किए थे भोपाल में, तो उन्होंने हमें अपने वचन पत्र में शामिल किया और हमारे मंचों पर आके घोषणा की थी कि हमारी सरकार जैसे ही बनेगी हम अतिथि शिक्षकों को नियमित कर देंगे। 15 महीने की सरकार थी हमारी, ऐसे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से मीटिंग हुई, लेकिन उन्होंने हमसे स्पष्ट तौर से मना कर दिया था कि हम अतिथि शिक्षकों को इससे ज्यादा कुछ नहीं दे सकते जो दे दिया है। हमने उस बात का विरोध किया। आज हम ये बोलना चाहते हैं आप लोगों से, आप लोगों के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं कि व्यापम परीक्षा का घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने लगातार विरोध किया और जैसे ही कांग्रेस सरकार बनी, वैसे ही उन्होंने व्यापम परीक्षा लागू करके हमारे अतिथि शिक्षकों को बाहर कर दिया। अभी 25 सीटों में 26 सीटों में विधानसभा के उपचुनाव है जिससे सरकार बनेगी और बिगड़ेगी। हम लोगों ने निर्णय कर लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों का खुल के विरोध करेंगे, किसी थर्ड फ्रंट के साथ खड़े होंगे या नोटा को वोट करेंगे, लेकिन मध्य प्रदेश के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश का कर्मचारी अतिथि शिक्षक अब वोट नहीं करेगा, क्योंकि धोखा दिया है कांग्रेस ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने। चुनावी अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।